प्रणाम सभी को, राम राम। साथियों, एक दुखद समाचार। पहले प्रो राइडर अगस्त्य चौहान और अब JK06 राइडर शुभम अब हमारे बीच नहीं रहे। साथियों, बहुत ही दुखद समाचार। ये हमारे जिला डोडा के रहने वाले हैं, इनका नाम है शुभम। साथियों, ये घटना है 15 मई की, जहाँ पे जम्मू में ये अपने घर से बाहर निकलते हैं और दुखद बात यह है कि इन्होंने अपना हेलमेट भी नहीं पहना था। लगभग शाम का समय 6 से 6:30 के बीच का था, जहाँ पे एक गाड़ी के साथ इनकी जोरदार टक्कर लगती है, जिसमें मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। साथियों, हमने हाल ही में इनके लिए एक वीडियो भी डाली थी, जिसमें हमने इनको अप्रिशिएट किया था और हम हमेशा से ऐसे टैलेंटेड लोगों को आपसे मिलवाते थे और हमेशा कहते थे कि हमारे चिनावली में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन एक दुखद समाचार, जिसमें शुभम हमारे बीच नहीं रहे। क्या पता अगर इन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद ये बच जाते। लेकिन एक दुखद समाचार कि JK06 राइडर अब हमारे बीच नहीं रहे। हमेशा हर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बाइक को ध्यान से चलाएं, धीरे से चलाएं, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से राइडर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा प्रो राइडर अगस्त्य चौहान और अब JK06 राइडर। साथियों, रहने वाले हमारे ज़िला डोडा के हैं, लेकिन इनका घर जम्मू में है और जम्मू में एक घर से बाहर निकलते हैं। बंतलाम में शाम का समय था, जहाँ पे एक गाड़ी के साथ इनकी जोरदार टक्कर लगती है, जिसपे मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। साथियों, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर आप भी एक राइडर हैं और व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो कृपया बाइक धीरे से चलाएं। ऐसे तो हमने देखा कि हमेशा JK06 राइडर हेलमेट लगा के ही राइड पर निकलते थे, लेकिन जब किस्मत ही ख़राब हो, कल का ही दिन था 15 मई का, जब उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया और लगभग शाम का समय 6 से 6:30 के बीच का था, जिसमें गाड़ी के साथ जोरदार इनकी टक्कर लगती है, जिसमें मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि शुभम की आत्मा को शांति दे और इस बुरे समय में इनके माता पिता को हिम्मत दें।